नमस्कार मित्रों, सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से योग की फील्ड की नई नई जानकारियां देता रहता हूं। फिर चाहे वह योग की क्रियाओं के बारे में हो या फिर योग के क्षेत्र में रोजगार से संबंधित कोई जरूरी सूचना। आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं योग के क्षेत्र में आई हुई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ मित्रों, एक नई वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश में, और यह वैकेंसी आई है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अलग अलग पदों पर भर्तियां हो रही हैं। ऐसे में योग वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि मेडिकल ऑफिसर योगिक साइंस की भर्ती आई हुई है, और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है। आयुष मंत्रालय, आप जानते हैं कि आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, तो इसमें होम्योपैथी की भी आई हुई है और सबकी भी वैकेंसी अलग अलग आई हुई है। लेकिन फिलहाल मैं योग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि योग के जो कोर्स किए हुए हैं उन लोगों के लिए इसमें क्या अवसर है। तो सबसे पहले मैं वैकेंसी का नाम बताऊं कि ये जो वैकेंसी है वह आयुष एमओ यानी आयुष मेडिकल ऑफिसर योगा स्पेशलिस्ट करके भर्ती आई हुई है। तो योगा स्पेशलिस्ट मतलब जो योग के विशेषज्ञ होंगे वह मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। तो बिना देर किए सबसे पहले मैं आपको वो विज्ञापन दिखाता हूँ, और विज्ञापन देख के आप क्लियरली समझ लें। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, और भी जो सारी जानकारी है, जो एलिजिबिलिटी के बारे में है, जो कितने पद हैं, क्या उनको अनन्य मिलना है, मानदेय क्या मिलना है, सारी जानकारी इस विज्ञापन के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले विज्ञापन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने विज्ञापन है स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। रिक्रूटमेंट फॉर 1400 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज। प्लीज व्यू वैकेंसीज डिटेल एट www.upnrhm.go.in और www.sams.co.in। तो ये दोनों वेबसाइट है, इस पे आपको वैकेंसी डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल मैं जो वैकेंसी डिटेल देखा हूँ ये दूसरे वाले वेबसाइट पे है, आसानी से आपको यहाँ मिल जाएगी www.sams.co.in। सैम्स आपको बता दूं कि स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यानी एक प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी है जो मेडिकल फील्ड में कर्मचारियों को आउटसोर्स करती है। तो मेरे ख्याल से जो यूपी गवर्नमेंट है वह इसी संस्था के माध्यम से जो 1400 भर्तियां हैं वो कराने जा रही है। तो जाहिर सी बात है जो योग की वैकेंसी है, जो योग पे योगा स्पेशलिस्ट रखे जाने हैं, उनकी भर्ती भी यही प्राइवेट एजेंसी कराएगी आउटसोर्सिंग के जरिए। क्योंकि संविदा पे है तो सरकार ने इनको जिम्मेदारी दे रखी होगी कि आप हमको मैन पावर प्रोवाइड कराइए, उसके बदले उनको कुछ पेमेंट दिया जाएगा इस कंपनी को भी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आशा एक चीज और आपको बता दूं कि जो सारी डिटेल है ऑनलाइन आवेदन करने की और सारी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी www.sams.co.in। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटी रिक्रूटमेंट फॉर मल्टीपल वैकेंसीज अंडर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। रेफरेंस नंबर है 4 तारीख का निकला हुआ, 4 अक्टूबर का। आगे देखिए क्या दिया है कि द नेशनल हेल्थ मिशन सीक्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर विच इज अकाउंटेबल एट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स। ये सब सारी चीजें हैं। आगे देखिए हेडिंग में लिखा है NHM UP इज इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 1400 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज फॉर स्टेट डिविजनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल, यानी ये राज्य स्तर पे, मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे और ब्लॉक लेवल पे वैकेंसी अलग अलग पदों पर होनी है। फिर नीचे दिया डिटेल्स ऑफ द वैकेंट पोजीशन, नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, एज एंड ऑनरेरिया आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो आप जब इस टेबल को देखेंगे तो सबसे पहले देखिए एक सीरियल नंबर 1 है, कॉलम दिया है, फिर प्रोग्राम नेम, पोजीशन नेम, पोजीशन कोड, ये सब दिया है। तो आपको जाना है सीरियल नंबर 5 पे। सीरियल नंबर 5 पे आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम कोड क्या है, मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष। तीसरे कॉलम में पोजीशन नेम है आयुष एमओ योगा स्पेशलिस्ट, पोजीशन कोड क्या है आयुष एमओ YS। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसको आप ध्यान देंगे तो इसमें जो दिया है डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन BN YS affiliated with Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CCRYN कहते हैं। 4 year
प्लस वन ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप यानी 5 साल का कोर्स है BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। यह कोर्स फिलहाल यूपी में कहीं नहीं चलाया जाता, साउथ में एक दो जगहों से इस प्रकार के कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी आप BNYS किए हुए हो साथ ही साथ CCRYN में आप रजिस्टर्ड हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो लोग MA हैं, MSc हैं योग से या PG डिप्लोमा हैं, वो लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ BNYS दिया गया है। एक्सपीरियंस फिलहाल कुछ नहीं मांगा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है, यानी 2 पद हैं, दोनों अनरिजर्व्ड हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 62 ईयर्स है। ऑनरेरिया इन रुपीज यानी 29,106 रुपए यानी 29,106 रुपीज पर मंथ मिलना है। तो ये तो हो गई पद की बात, क्वालिफिकेशन की बात और ऑनरेरियम की बात। इसका मतलब क्लियर है कि वही लोग अप्लाई करेंगे जो लोग BNYS किए हुए हों। तो बाकी लोगों के लिए जो योग का कोर्स है, MA MSc, वो लोग फिलहाल उनके लिए विज्ञापन का कोई मतलब नहीं है। हालांकि BNYS करने वालों की संख्या बहुत कम है, अक्सर साउथ में इस तरह का कोर्स चलाया जाता है, मैंने पहले ही बताया, तो वहां के लोग ही ज्यादातर इस तरह का कोर्स किए हुए हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं या ईस्टर्न इंडिया या फिर पश्चिमी और नॉर्थ इंडिया में लोग ज्यादातर MA MSc योगा किए हुए या बहुत अधिक PG डिप्लोमा किए हुए हैं बहुत अधिक मात्रा में। तो इस बात का ध्यान देंगे कि ये क्योंकि डॉक्टर्स के लिए है, मेडिकल ऑफिसर के लिए है, तो BNYS ही अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल 30 तारीख इसका लास्ट डेट है। आप लोगों में से अगर कोई BNYS किए हुए हों तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप और नीचे जाएंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, सारे और डिटेल्स दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है कि आपको किस किस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग स्टेप में सारी चीजें दी गई हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वहां जा सकते हैं और अप्लाई वहां पे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप BNYS किए हुए हैं तो आप जरूर अप्लाई करें, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, आप लोग हैं जो लोग BNYS नहीं किए हुए, BNYS करने की संख्या जो है ऐसे लोग बहुत कम है जो BNYS किए हुए हैं, अदरवाइज मैक्सिमम मैंने बताया कि सामान्य कोर्स करते हैं। तो जो भी है फिलहाल आप लोगों में से अगर कोई है तो आप अप्लाई करें और वहां पे जाके अपने किस्मत आजमाएं। दोस्तों जानकारी यही देनी थी, मैंने आपको जानकारी दे दी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप वेबसाइट पे जाके डिटेल ले सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं योग के क्षेत्र की तमाम जानकारियां समय समय पर उपलब्ध कराता रहूं। आगे कोई भी इस तरह की अपडेट होगी तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, दूसरे को भी शेयर करें। आपकी राय बहुत जरूरी है, आपको कैसे लगते हैं वीडियो जरूर फीडबैक दें ताकि मैं आप लोगों के लिए और कंटेंट अच्छे बना सकूं जो आपके लिए उपयोगी हो, यूजफुल हो। फ्रेंड्स विश यू गुड लक, थैंक यू, हरिओम, जय हिंद।